विनियोज्य स्वयं भरतभावजिज्ञासुस्तत्समीपं ययौ स्वोपाहृतफलमूलादिभिः कृतातिथ्यं विश्रान्तं गतश्रममेनं पुरतः अनुमेने ततो निविष्टां द्वजिनीं गङ्गामन्वाश्रितां नदीं निषादराजो दृष्ट्वैव ज्ञातीं स परितो ब्रवीत् महती यमितस्सेना सागराभा प्रदृष्यते नास्यांतमव गच्छामि मनसापि विचिनतय यदातु यदा नूकलु दुर्बुद्धे भरत स्वयं आगतः सयेश ही महाकायः कोविदरध्वजो रथे बन्देष्यतिवा पाशय वास्यान् अनुदाशरतिं रामं पित्रा राज्याद्विज् राज्याद्विवासितं सम्पन्नां श्रियमन्विच्छम् तस्य राज्ञः सुदुर्लभां भरतः कैकयी पुत्रो हन्तुं समधिगच्छति भर्ता चैव सखा चैव रामो दाशरथिर्मम तस्यात कामा सन्नद्धा गंगानु पेत्र तिष्ठन्तु सर्वशा सर्वदाशाश्च गंगा मन्वा नदीम बलयुक्ता नदी रक्षा मांसमूल फलाशनाह नावाम शतानाम पंचानाम कैवर्तानाम शतम शतम सन्नद्धानाम तथा यूनाम तिष्ठत्वित य विद्यप् चोदयत् यदि तुष्टस्तु भरतो रामस्येह भविष्यति इयं स्वस्तिमति स्वस्तिमति सेना गङ्गामद्यतरिष्यति इत्युक्तोपायनं गुह्य गृह्य मत्स्यमांसमधुनिच अभिचक्राम भरतम् निषादाति पतिर्गुह तमायांतम् तु संप्रेक्ष्य सूतपुत्र प्रतापवान् प्रता भरताया च चक्षेत समज्ञयो विनीतवत् येषयाति सहस्रेण स्थपति कुशलो दण्डकारण्ये वृद्धो भ्रा चतुष्चते सखा तस्मात् पश्यतु का कुत्स्तत्वा निशादा दीपो गुह असंशयं विजानीते यत्र तौ राम लक्ष्मणो एतत्तु वचनं श्रुत्वा सुमंत्राद् भरतः शुभम् उवाच वचनं शीघ्रं गुह पश्यतु मामिति लब्धवानुज्ञां सम्प्रहृष्टो ज्ञातिभिः परिवारितः आगम्य भरतं प्रह्वौ प्रह्वो गुहो वचनमब्रवीत् निष्कुटश्चैव देशोऽयं वञ्चिताश्चापि ते वयं निवेदयाम ते सर्वं स्वके वस अस्ति मूल फल चैतन स्वयमर्जित स्वयर्जित आर्द्रम शुष्क यथा वन्योत्त वचम तथा आशा सेवाशिता सेना वत्स्यसे वत्स विभारी अर्चि विविध काम शैन्यो इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे चतुरशीति तमः सर्गः